हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही लेट, और अक्सर मैं अबीर को स्कूल छोड़ने जा रही होती हूँ तब व्लॉग की शुरुआत हो रही होती है, लेकिन आज मैं उसको फॉर्चुनेटली स्कूल से लेने जा रही हूँ और तब व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, बिकॉज आज बस बहुत सारा काम था और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो बस सुबह से टाइम ही नहीं मिला कैमरा उठाने का। बट अब फाइनली आई एम हेयर एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो बस रेड लाइट पर रुकी हूँ, ये थोड़ी लंबी रेड लाइट है, तो मैंने कहा यहीं पर कैमरा उठा लेते हैं और फटाफट से आप लोगों से बात कर लेते हैं और यू नो व्लॉग को शुरू कर देते हैं। तो जाते हैं, सर को लेते हैं, सर की कहानियाँ सुनते हैं आज क्या क्या हुआ स्कूल में। तो देख सकते हैं आप, आ चुके हैं हमारे छोटे सुनी साहब। बेटे आप कर क्या रहे हो? अभी उसको छोड़ दो, पता नहीं यार नेविगेशन सिस्टम ही छेड़ता रहता है ये बच्चा। Hi. I am so tired. I went to homework club. I am so hungry. And finally, I got something to eat. Yeah, sandwich, right? Ab no more McDonald's. Okay, McDonald's will be a treat. Okay, sandwiches are more. Let's do the thing. I will only have McDonald's breakfast on weekend. Yeah, weekend. Yeah, exactly. Okay, but sandwich ke andar zyada taakat hai. Okay, it's got tuna in it. It's got sweet corns. People say tuna is disgusting. No, but it's not. Tuna के अंदर पता कितनी पावर होती है। चलो जल्दी खा लो एंड चलते हैं घर। This is the one you made yesterday. या आलू की सब्जी बेटा कल की है, ठीक है? चावल मैंने अभी भी बनाए हैं, ठीक है? क्या हो गया? एक सब्जी कम से कम दो दिन तो चलनी चाहिए। तो अभी सूरी का हो गया है खाना वाना खत्म, ठीक है? डिनर फिनिश कर लिया है। और गाइस यू रिमेम्बर अभी सूर्य आस्क्ड यू, डू यू लाइक माय वाटर बॉटल गाइस, प्लीज कमेंट बिलो। दैट वाटर बॉटल ही लॉस्ट इट, बट आई गॉट अ न्यू। अब मैंने इसको एक वाटर बॉटल लाके दी, एक तो ये सस्ती भी है और दूसरी सेल पे लगी हुई थी। एक्चुअली सस्ती क्या ही है, सेल पे लगी हुई थी। और मैंने इसके बाद इसको परमानेंट स्टिकर्स लाके दिए हैं, ये वाटर प्रूफ स्टिकर्स हैं। इस पर ये लिखेगा अबीर सूरी। अब इसके बाद ना अगर वाटर बॉटल घूमी तो मैं तुम्हें घुमा दूंगी। सॉरी अगर मेरा कैमरा हिल रहा था। इस बंदे ने, गाइस इस बंदे ने हमें दोबारा डराया है। वहां कोने में खड़ा होकर तुम उसकी मुझे यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। तुम उसकी वीडियो बना रहे थे तो मुझे लगा कि मैं रुक जाता हूँ। तुम पागल हो क्या? सच में पागल हो तुम? हे भगवान, मतलब मेरे दिल की धड़कने कितनी तेज हो गई है। और आज मुझे तुमसे जरा बात करनी है। आज ही बात करनी है मुझसे? मैं सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह से मैं बहुत परेशान थी। क्यों? मैंने क्या कर दिया? मैंने करा कुछ? तुमने उसके हैंडराइटिंग देखी है? आज सुबह उसकी क्लास लगी है, मैंने लगाई है। तुमने देखा है वो बर्ग कैसे बनाते हैं? सब कुछ छोड़ दो, चलो सब छोड़ दो, सब दुनिया एक तरफ। तुमने उसका बैग चेक करा था? उसके बैग में एक स्केच पेन लीक हो रखा था। ये मेरे हाथ देख रहे हो? ये बैग तो तुम चेक करते हो। अभी इसमें लाल रंग चला गया। बैग तो तुम रोज चेक करते हो। तुमने कहा था मैं इसको रोज चेक करूंगी, मैं इसको रोज। सौरभ आपने उसको पढ़ाया? कल मैं बिजी नहीं थी, कल मैं क्या, कल क्या बनी हुई थी मैं? क्वेश्चन ये नहीं। सौरभ वो अपनी शीट के ऊपर अपना नाम सिर्फ अबीर क्यों लिख रहा है? अबीर सूरी लिखे, वो डेट क्यों नहीं डाल रहा है? सौरभ वो अपनी नॉलेज, तुम उसको ये बात बोलोगे तुम होमवर्क कराते हो? मुझे बात बताओ कि क्लास मेरी लग रही है, इसकी लग रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सौरभ तुमने सौरभ आज सुबह ना 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यही हुआ है, पूरी पढ़ाई। सौरभ उसकी एक छोटी सी बुक है, अभी तो बुक क्यों नहीं खत्म हुई? आज मैं 2 हफ्तों से वो बुक देख रही हूँ। स्पेस क्यों नहीं है? सोनम आप प्लीज उसको छोड़ दो, उसको उसने वैसे ही, क्योंकि तेरे मेरे बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है? और मैं तो वैसे भी बंदा इंसान से पूछ लेता है पानी पियोगे। सोनम मैं पानी पूछने ही वाली थी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो फिर आप पूछ लो। सोनम मैं सच में यार आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। उसने अपनी बोतल घुमा दी है, उसने नई जैकेट घुमा, एक जैकेट घुमाई तुमने? जैकेट तो तब की घुमी हुई है ना, जैकेट भी घुमाई है लेकिन तब की घुमी, वही वाली जैकेट का मैं गाना अभी भी गा रही हूँ। अगर स्पेलिंग में इसके नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं तुम्हें तो छोड़ूंगी। तो मुझे उल्टा टांग दे। No, that is not fair. You will not leave daddy. That is not fair. मैं नहीं छोड़ रही तेरे डैडी को। मैं नहीं छोड़ूंगी आसानी से, मैं तुम्हारा डैडी नहीं छोड़ने वाली। खुश नसीबी आसानी से नहीं मिलती। हाँ खुश नसीबी, डैडी को छोड़ दो, डैडी को नहीं छोड़ने वाली प्रीति सूरी। तो कोई असर है इस आदमी पे? कोई असर है?
मैं और तुम्हारा डाइट कैसे रही आज? आज मेरी बहुत अच्छी डाइट है। मैंने तो सुबह से सिर्फ नारियल पानी पिया है, छोलों का पानी पिया है और जरा से पीनट्स खाए हैं। अभी इसने चावल छोड़े थे थोड़े से, बस दो तीन चम्मच हो गए हैं। वो बोलो किसको बता रहे हो तुम? गाइस मैंने कैमरा ऑन करा है पर्पसली। क्यों? हम पे स्पाई करा जा रहा है। पता है सीसीटीवी चेक कर रहा है सुबह का। सीसीटीवी चेक कर रहा है कि नहीं सुबह सीसीटीवी चेक कर रहा है यार ये बंदा कि मैं अमीर को लेके स्कूल पे टाइम पे गई कि नहीं गई। आई कांट बिलीव इट, कांट बिलीव इट, सॉरी। तो आप सबने मेरे तो आप सबको तो मेरे ब्लॉग का टाइटल मालूम ही है आज। तो बस उस टाइटल को ध्यान में रखते हुए मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ब्रांड जो कि एथनिक वेयर, यू नो, इंडियन वेयर में डील करता है और ये इंडिया बेस्ड ब्रांड है, ठीक है। इस ब्रांड का नाम है सिया फैशन। तो मुझे हाल ही में इस ब्रांड के बारे में पता लगा तो मैंने इस ब्रांड का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप ज़रूर जाएं इनके इंस्टाग्राम पेज पर। इस ब्रांड को मैं आज अपने व्लॉग में इसलिए फीचर कर रही हूँ बिकॉज एक तो इनकी कपड़ों की क्वालिटी, दूसरा इनकी प्राइस रेंज अनमैचेबल है टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो यूके में रहता है, यूके में एक अच्छी क्वालिटी के इंडियन वेयर मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ब्रांड है सिया फैशन, ये ना केवल मेरी इंडियन ऑडियंस को हेल्प करेगा, इनफैक्ट जो यूके में भी लोग रहते हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स बस शुरू हो ही चुके हैं और हम सब लोग सोच रहे होंगे यार मैं दिवाली पे क्या पहनूंगी, भैया दूज पे क्या पहनूंगी, तो छोटी दिवाली पे क्या पहनूंगी। तो गाइज इस ब्रांड को जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि मेरे तो सारे कपड़े यहीं से आने वाले हैं ऑनेस्टली, ठीक है। तो आप इस ब्रांड को जरूर चेक, करवा चौथ आ रहा है, आई नो कि करवा चौथ में कुछ एक हफ्ता रह गया है, लेकिन आप प्लीज इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, उन्हें डीएम करें, तो वो वर्ल्ड वाइड शिपिंग में डील करते हैं। तो अगर आप यूके में रहते हो मैं तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज इस पेज पर जाओ, सिलेक्ट करो अपनी चीजें, आप प्राइस रेंज चेक करो, उस प्राइस रेंज को कंपेयर करो जो आपके यूके में मिलते, तो शायद आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। यू गाइस ऑलवेज आस्क मी फॉर माय आउटफिट डिटेल्स, यू नो, व्हेन इट कम्स टू इंडियन वेयर एक चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा रहती है, वो होता है बजट, ठीक है। लेकिन जब मेरे को इस ब्रांड के बारे में पता लगा इट सूट्स टू माय बजट ऑनेस्टली, और मेरा बजट ना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आप जब प्राइस रेंज चेक करोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रीति को ये ब्रांड क्यों पसंद आया है। एनीवे आप लोग ये ब्रांड जरूर चेक करना। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने इनसे क्या मंगवाया है। तो ये तो है अभी ये सूरी का कुर्ता और साथ में पजामा भी। तो ये है व्हाइट कलर का पजामा, इसमें इलास्टिक है जो कि बहुत बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए, इलास्टिक वाले पजामे होने चाहिए। और ये है उसके लिए कुर्ता, बहुत प्यारी लगेगी मेरी छोटी, देख सकते हैं आप लोग, सिंपल सा मस्टर्ड कलर का कुर्ता है। मेरे पास इसके साथ एक अचकन भी है पहनने के लिए ऊपर, आपको पता ही है बच्चे ज्यादा चीजें नहीं पहनते हैं, कुर्ता भी अचकन भी, तो इसलिए मैंने अचकन नहीं ऑर्डर करी इसके साथ की, मैंने सिर्फ कुर्ता पजामा ऑर्डर करा। एंड दिस लुक्स अमेजिंग, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और मेरे लिए आया है एक सूट, लुक एट दिस। तो ये है दुपट्टा, सो दिस इज अ दुपट्टा। आज के व्लॉग में मैं आपको सिर्फ ये कपड़े दिखा रही हूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टाइल देम ऑल्सो, लेकिन मुझे लगा शायद उसमें अभी एक दो दिन और लग जाएंगे और फेस्टिवल्स बस आने ही वाले हैं, तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ इस वाले व्लॉग में यू नो ये सब चीजें शेयर करूं, ताकि अगर आप भी इंडियन वेयर ढूंढ रहे हो और कोई एक अच्छा ब्रांड ढूंढ रहे हो तो इट्स वर्थ चेकिंग सिया फैशन, ठीक है। तो ये है मेरा दुपट्टा, नाइस, आई लाइक इट, मुझे ऐसे हल्के हल्के दुपट्टे बहुत पसंद है सीरियसली, स्पेशली यू नो काम वाम करना होता है और फेस्टिवल के टाइम पे कोई ना कोई आया रहता है घर में, आप किसी के घर में जाते हो तो यू नो जितना लाइट हो स्टाइलिश हो उतना मज़ेदार होता है आउटफिट। तो मैंने मंगवाया है अपने लिए शरारा सॉर्ट ऑफ
सूट, तो ये है मेरा शरारा, नाइस। और मैंने आज तक पता है शरारा वाला कोई सूट नहीं पहना है, तो दिस गोइंग टू बी माय फर्स्ट वन। और ये है, और ये है इसकी टॉप, शर्ट, जो भी आप कह लो। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। सो दिस वन गोज विद शरारा। अरे यार अच्छा दिखेगा, नाइस, मजा आएगा पहनने में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टाइल इट। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा फर्स्ट शरारा आउटफिट होगा, मैंने इससे पहले आज तो शरारा नहीं पहना है। और ये चुन्नी का कलर, ओए होए, ला ला ला, अच्छा लगेगा चुन्नी का कलर। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बहुत जल्द मैं इसको स्टाइल करने वाली हूँ। तो आप लोग भी जाएं इस ब्रांड के पेज पर, जाकर चेक करें, इनकी वेबसाइट भी है। इनके पास वैरायटी है, साड़ियों की वैरायटी है, लहंगे चोलियों की वैरायटी है, सूट्स एक से एक बढ़कर सूट्स हैं। नो मैं इस वेबसाइट पर गई हूँ, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। इट्स वेरी गुड। और अब जब मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, आई कैन सी द क्वालिटी, क्वालिटी इज प्रिटी गुड यार, प्रिटी गुड सीरियसली। मुझे शरारा तो बहुत पसंद आया, ये पूरा सूट ही अपने आप में बहुत प्यारा है, ठीक है। तो आप जाइएगा अपने बजट के हिसाब से, अपने बजट से सूट करते हुए। आई एम श्योर आपको आपके बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज आई नो जब मैं इस फेस्टिवल पे सारे कपड़े पहनूंगी तो आप लोग जरूर पूछोगे कि आपने कहाँ से लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सिया फैशन की कलेक्शन में से कुछ आउटफिट्स पहनूंगी आने वाले त्योहारों पर। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आई नो आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे हेयर ड्रेसिंग के लिए असाइनमेंट्स चल रहे हैं। तो बस सब चीज़ों को, यू नो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ों को साथ लेकर चलूँ और थोड़े ऑर्गेनाइज वे में चलूँ। तो आई एम सॉरी कि अगर मेरे ब्लॉग्स थोड़े आगे पीछे आते हैं टाइमिंग्स पे, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। बट या आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और मैं नई नई चीजें आपके लिए लाती रहूंगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय गाइस।